कल परसेंटेज खत्म हुआ है दूसरा बैच में, और वैसे ही बोले हैं कि बुक छुइए और बुक से हर एक बुक क्वेश्चन बनेगा, बोले ना मदन। अब वैसे ही कम जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके हमको बोलने का मौका दे, है ना, कि हर एक बुक से बनेगा, वरना लास्ट में झूठे बोल देंगे कि हर एक बुक से नहीं बनेगा। ठीक है, बोल देंगे हर एक बुक से नहीं बनेगा तो खराब लग जाएगा। अभी इतना ही करवा के छोड़ दे क्या? अच्छा लगेगा, चले याद है क्या सब लोग? चलिए याद है क्या? 60 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग एबीसीडी, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। रूबी ये बोर्ड दिख रहा है ना? क्या पता बेचारी का तबीयत खराब था। अब आधा बगा बोल रहे थे पता है, सर यही तो समय है हमको आगे बढ़ने का, जब बीमार हो जाए हमको अच्छा नहीं लगा रहे, क्या कहे गिर गया। एक वर्ग एबीसीडी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज क्या बनाया गया है? इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, जिसका तीनों साइड बराबर। मेरा बात समझिएगा, एक समबाहु त्रिभुज बीपीसी बनाया गया। बीपीसी का मतलब अगर यहां पर रखेंगे ए, इसको रखेंगे बी, इसको रखेंगे सी और इसको रखेंगे डी। ठीक है, तो बी पी और सी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ऐसे करके। बी पी और सी, इसको टच मत कर दीजिएगा, यह पूरा लंबा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है ये? एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के बारे में एक जिक्र किए थे, जिसका तीनों साइड क्या होता है मेरा? बराबर होता है। तीनों साइड बराबर होता है। ठीक है सर, तीनों साइड इसका बराबर होता है, ये वाला और ये वाला। स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है ना। इसका मतलब ये वाला, ये और ये। इसका मतलब ये जो छह साइड है वो सब का सब क्या है? मेरा बराबर है। ये तो पता चल रहा है सर। अगर ये समबाहु त्रिभुज का सारा जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है ना। ठीक है, तो सर ये 60 डिग्री का है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। 60 और ये 60। ठीक है, अच्छा स्क्वायर का ये ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये स्क्वायर, अगर क्या है स्क्वायर का ये जो एंगल होता है, चारों चारों कोना जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? सर 90 डिग्री का होता है। चारों कोना जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 और 90। ठीक है सर, अगर ये वर्ग है और ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ये कितना डिग्री का है? ये भी 30 डिग्री का। ये कर पा रहे हैं? अब क्या बोला गया है सुनिए, अब बोला गया है एपीडी का मान क्या होगा? हमको क्या निकालना है? ए बी डी का मतलब सर इसका मान निकालना है, इसका। ए पी डी का मान निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको ये वाला? ठीक है सर, ये 30 डिग्री है। अच्छा ये साइड और ये साइड बराबर है ना? ये साइड मेरा क्या है? बराबर है। अगर एक ठो 30 डिग्री का है तो ये दोनों का सम कितना होगा? ये ट्रायंगल देखा जाए ए पी और बी को देखा जाए
किसको देखा जा रहा है, ए पी और बी को। तो ए पी बी में एक एंगल 30 डिग्री का है तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, 150 होगा। अगर 150 होगा और ये बराबर है, दो भाग में बांटेंगे तो कितना कितना होगा, 75 75 होगा। सर ये वाला कितना होगा मेरा, 75 डिग्री, और ये वाला कितना होगा, 75 डिग्री। क्यों होगा सर, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये 30 डिग्री का है, इसका मतलब बाकी दोनों का सम जोड़ कितना होगा मेरा, 150 डिग्री का होगा, 150 डिग्री का होगा, और आधा करेंगे तो 75, और ये कितना होगा, 75। यहां तक क्लियर है सर? सेम टू सेम यहां पर भी कहानी है, ये कितना होगा मेरा, 75, और ये कितना होगा, 75। समझ में आ रहा है ये वाला? अच्छा किसी को ये तो नहीं लग रहा है ना, जैसे यहां पर B और P खींचा हुआ है और यहां पर खींचे हैं B, और ये है और ये, किसी का दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि ये 60 डिग्री का है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 डिग्री का होगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? मुक्ति कितना लेट कीजिएगा हर बार, आइए है ना। तो ये कितना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो होगा नहीं, ठीक है? क्यों सर, क्योंकि एक लाइन पूरा क्रॉस तो नहीं कर रहा है ना ये वाला, ये तो अलग से बनाया गया है। चलिए तो अब ये पूरा का पूरा अगर हम ये देखें, चाहे कैसा भी रहे कैसा भी रहे, ये पूरा गोल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का। अगर ये पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री का होता है और ये 75, ये 75 150, ये 150 और ये 60 210, 210 है तो ये कितना होगा, 150 होगा ना, तब ये कितना बचा आपका, 150। तो ए पी डी मेरा क्या होगा, 150 होगा। समझ में आया, बुझाया ना? हुसैन दिक्कत होगा, पीछे बैठ जाएगा क्या, तो चेयर लेते हैं वहां पर रखने के लिए। कहीं पर रजनी कहा, सुतल एक बाल्टी पानी मारे क्या उठाते हो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, लेकिन आप क्या किए, पहले यहां पर था ना बीपी और सीपी था ना, अब ये पूरा इसको आगे नहीं बढ़ाए हैं, हम इसको अलग कर दिए, यहां से खींच दिए, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये, नहीं ना? नहीं तो
से दिल मुझसे करता है जब भोरे भोरे करके गाना किसका बजा अभी ले हाँ, एक गदर मूवी ले गाना किसका बजा था अभी, किसका तो बजा था अभी तुरंत। भोरे भोरे गाना सुने बहुत दिन बार मुहिम रहेगा। हाँ सालू, हाँ जो आप बोल रहे हैं वो सही है एकदम। और वो जो कल बजट का मीटिंग हुआ था ना वो सही था ना, सीरियसली डिस्कशन हो रहा था पता है अभी तीनों के बीच। सनी रश्ता था ना, बताइए साजिद अब्दुल पार्टी बदल लिए। अब्दुल बोलते हैं हम शाम का बैच करेंगे 3:30 बजे से। हाँ अब्दुल बोले हम साजिद के साथ नहीं रहेंगे, वो हमको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए। हाँ काहे बताएंगे हम, सरप्राइज सरप्राइज। चलिए घूमती बैठक दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ तो मिथिले जगह है क्या बच्चा उधर? लेकिन तो नहीं, आप लोग ना बोलिएगा मत, आप लोग खाना वो हम ही खिला देंगे सब सर, समझे? प्रॉब्लम हो रहा है सब हम देखे। चलिए याद है क्या सब लोग वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61। अरे लेवलवा बढ़ेगा अब झूठे, अब यहाँ स्पेशली हम कल ऑर्डर दिए यहाँ पर जहर ला कर रखने का, कि जिसको समय ना आए वो जहर खा ले, समझे? सुनिएगा अभी, ए बी सी डी, ए ना ना फंस जाएंगे हम। ए बी सी डी वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी डी क्या है मेरा? वर्ग है। एक समबाहु त्रिभुज जब बनाया गया है, और वो ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज क्या है आपका? ए बी ई है ना, मतलब ए बी पर बनाया गया है। तो ए बी को भी नीचे लीजिएगा, ए बी और सी डी, तब यहां पर समबाहु त्रिभुज बनाइएगा ए बी और ई। ऐसे बी को यहां मत दीजिए, लटका दीजिएगा इधर, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। समझ में आया कैसे ले रहे हैं? सो ए बी सी डी के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए बी पर बनाया गया है, अच्छा से बना दिए। विकर्ण बी डी, विकर्ण डीबी, डीबी देखिए एक चीज बता रहे हैं और यहां सुनिएगा। स्क्वायर का ये खासियत होता है, बाकी सबका भी होता है पर बाद में बताएंगे। स्क्वायर का ये खासियत होता है जो डायगनल होता है, डायगनल ये वाला डायगनल, ये एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में क्या करता है? ये बांटता है, मतलब ये पूरा का पूरा अगर 90 डिग्री है तो ये 30 और ये 30 है ना, वाह, तो ये 45 और ये 45, ठीक है, ये 45 और ये 45 डिग्री का बोला है। विकर्ण डीबी क्या लिखा हुआ है देखिए, बोला विकर्ण डीबी त्रिभुज को ओ पर काटते हैं। सर ये जो डीबी कहां पर है, ये है डी और ये है बी, मतलब ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण मतलब डायगनल जो है ना ये वाला, वो त्रिभुज को काट रहा है ना, त्रिभुज को किस पे काटेगा? ओ पर काट रहा है, तो ये जो काटा है ना इसी के बारे में जिक्र किया गया है। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, हम ये बुझाया। फिर बोला गया है ए ओ बी का मान बताएं, किसका मान बताएं? ए ओ बी का मान बताएं, ए ओ और ये बी का मान बताएं, इसका मान बताने के लिए बोला गया है, ठीक है।
कौन बता देगा हमको ये वाला? वेरी गुड सूरज, कितना होगा? कैसे? कैसे? इसको सोचने के लिए आप लोगों को समय दिए। हर्ष खड़ा हो, सौरभ खड़ा हो, राजेश खड़ा है। तीनों मिलकर के हमको ये बताइए कि ये कितना डिग्री का होगा। जल्दी से, तीनों मिलकर के बताइए ये कितना डिग्री का होगा। वेरी गुड। ऐसे ही इसको हम बाघा नहीं बोलते। हर्ष, क्या आप भी इनको सपोर्ट करेंगे? मारिए एक लाफा, आप बैठाइए। राजेश, क्या करके करके अपना मुख की वाणी को बोले, इस्तेमाल करें। अच्छा था, है ना?
राशि पर कम, अगर तो वहां पर घर में टोपी खोजने पर कम, अगर दिमाग खोजने पर बेसी होता तो क्या बात है ना। क्या राजेश कब तक चलेगा ऐसा? सौरभ समय भी नहीं बचा आपके पास, उसके पास तो भले बचा है, आपके पास तो वो भी नहीं है। एक साल बाद कहा सूरत की आसनसोल फैक्ट्री है वहां बहुत सारा, धनबाद में ही फैक्ट्री है ना। ये कितना डिग्री का? 60। और ये 105 75। घटिया से घटिया सवाल था। ऐसे मार दिया था 90 ने। क्या क्या था? ए बी सी और डी था ना, और यहाँ पर था आपका ई। क्या पूछा था दीपक? क्या पूछे थे? डायगनल भी था। ए ओ ये सिंपल है, पूछा जा सकता है ना। पूछा जा, सुनिए मेरा बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है? ये सुनिएगा आप लोग सब लोग, कौन कौन सा एंगल पूछा जा सकता है? ये पूछा गया है, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर ये वर्टिकल, ये पॉजिट एंगल होगा, है ना? क्योंकि ये क्रॉस किया है दूसरे को। अगर ये 75 तो ये 75, ये 75 तो ये 105, तो ये कितना? 105। ठीक है दीपक, और कोई पूछा जाएगा क्या? क्या बी ई आर बी 60 डिग्री? और क्या चीजी? हाँ ओ बी 15 डिग्री। ओ बी 15 डिग्री, 15, हाँ 15, हाँ 15, ठीक तो ये होगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा ना, और ये 60 तो ये 15, और ये 105 होगा ना। और मैं ये वाला तो पूछो, पूछ दे हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 63 64 62 देखिए। समबाहु त्रिभुज ए बी ई एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। अभी कहाँ बनाया गया है? बाहर बनाया गया। सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले यहां एक वर्ग बनाएंगे ए बी सी, और क्या बनाएंगे हम? ए बी सी डी।
ठीक है, ये वर्ग। फिर बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जो बनाया गया है ए बी ई, एक वर्ग भुजा, वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। ये वर्ग के बाहर बनाया गया ए बी और क्या है मेरा ए बी और ई, वर्ग के बाहर बनाया गया, ये क्लियर है। आगे क्या बोला है सुनिए, रेखा डी ई और विकर्ण ए ई, सॉरी ए सी, रेखा डी ई, रेखा डी ई कहां पर है, रेखा डी है और ये है ई, ठीक है, रेखा डी है और ये है ई, और विकर्ण ए सी, विकर्ण कौन सा है, ये है ए सी, विकर्ण ए सी, क्या बोला गया है 62, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, मतलब ये जो लाइन खींचेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये जो विकर्ण खींचेंगे एसी, ये वाला, ये एक दूसरे को किस पे काट रहा है, ओ पर काट रहा है, सही है यहां तक। बोला क्या गया है कि सी ओ डी का मान ज्ञात करें, सी ओ डी का मान ज्ञात करें, कौन सा है सी ओ डी, सर यहां पर है आपका सी ओ डी, इसका मान ज्ञात करना है, सी ओ डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए आप सब लोग। सबसे पहले कैसे कैसे किए, ठीक है, बोला सी है का ये वाला क्या, ये रखे 45 डिग्री और ये क्या रखे, ये 15 कैसे आया आप लोग, यहां पर यहां समझिए डी ए और ई है ना, डी ए और ई, चलिए यहां देखिएगा, ठीक, समबाहु त्रिभुज में ही पता है कि ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या है मेरा बराबर, ये साइड, ये साइड और ये साइड मेरा क्या है बराबर, और स्क्वायर में भी चारों साइड क्या होता है मेरा बराबर होता है, मतलब कि ये चारों साइड मेरा स्क्वायर में भी क्या होता है बराबर होता है, ये तो पता चल रहा है सबको। इसका मतलब सर स्क्वायर में ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना, और सर समबाहु त्रिभुज में सारा का सारा कितना डिग्री का होता है, 60, 60, 60 और 60, सर अगर ये 90 है और ये 60 है, मतलब कितना 90 और 60, 150 है ना, 150, सर ये पूरा का पूरा आपका कितना डिग्री का है, 150, सर ये पूरा का पूरा अगर 150 डिग्री का है और ये दोनों का सम 30 डिग्री होगा, पूरा अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल देखिएगा ए डी और ई, ए डी और ई, अगर ये ट्रायंगल देखा जाए तो ए डी और ए ई बराबर है ना, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है मेरा, ये वाला है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है मेरा, सॉरी क्या बोल, इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा मेरा बराबर होगा, और ये दोनों का सम अगर 30 है, दोनों का दोनों कितना डिग्री का होगा, 15 और 15, तो सर ये वाला आपका 15 होगा और ये वाला आपका क्या होगा 15, 15 डिग्री और 15 डिग्री होगा ना, सर अगर ये 15 डिग्री और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है तो ये कितना डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, हमको ये निकालना है 75 और 45 कितना 120, और अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, समझ में आया। ठंडा का सुबह सुबह का मौसम गजब होता है क्या, चलो उठे का मन नहीं करता है, बोरे बोरे
रूबी घर में थे? रूबी को सैटरडे को फोन किए थे, रूबी क्या कर रहे? बोलते हैं कुछ नहीं सर। बोले कुछ कीजिए, कब तक कुछ नहीं कीजिएगा? बोलते हैं सर बाहर सामान लेने के लिए आए। बोले हाँ अब ठीक है। सालुक फोन लगा रहे थे, पता नहीं कौन सालुक लग गया था। पता चला बोल दिए थे। बोले जैसे उठाए वैसे बोले कि ज्योमेट्री का सीट बना के रखिए। बोले कौन? बोले रॉन्ग नंबर। किसका नंबर? मेरे पास 800 का नंबर है। समझ में आया ये वाला? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। दिए गए चित्र में अब सॉरी कहां पर पहुंच गए यार? ठीक तो क्वेश्चन नंबर अच्छा समझिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 ये थोड़ा टफ है और एक थोड़ा एक अलग ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। टफ भी है और एक अलग ही लॉजिक, अलग ही पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इसीलिए ये तब तक नहीं समझ पाइएगा जब तक आप लोग का दिमाग आप लोग के खोपड़ी के ऊपर है ना। मैं आ रहा हूं, क्या बोल रहे हो? सुन पता नहीं भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तब तक नहीं समझ पाइएगा, तब तक समझ जाइएगा। फ्रेट आइए, कितना अच्छा जोक मार रहे थे, सब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बताइए। खोपड़िया है दुनू के, हर्ष यश के, अरे ताबिया के, दुनू पैरों हिलाने के आए थे ना? दुनू पैरों हिलाए के आते थे ना? क्या आता? चोर आता है? खुदे बड़का चोर आएगा कि? चले याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 63 समझाएंगे, 64 और 65 आप लोग का खुद बन जाएगा। सुनिएगा, बोला गया है कि एक त्रिभुज दिया है। सबसे पहले ये क्या है मेरा? एक प्यारा प्यारा एक त्रिभुज है, ठीक है? जिसमें से ये और ये एक लाइन है, प्यारा प्यारा लाइन दिया हुआ है मेरा ए बी सी ई एफ डी, ठीक है? और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या बोला? बराबर। ये साइड और ये साइड क्या बोला? बराबर, ठीक है? फिर बोला है एंगल डी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। एंगल डी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री। पूछा है ए सी बी, करने गया ए सी बी, हाँ ठीक है। बोला है ए सी बी बताए, ये वाला, ठीक है? अब जो लाइन का हम प्रयोग करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दे सभी लोग, ठीक है? ये 40 डिग्री का है तो ये दोनों का सम कितना डिग्री का होगा? 140 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है, एंगल डी
ई सी प्लस एंगल डी एफ, मतलब यहां कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सी एफ डी ई डी एफ और ई, ये दोनों का सम कितना होगा 140 डिग्री। यहां पे आप लोग डी ई और सी भी लिख सकते हैं, डी एफ और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस खाली ये कोण को दर्शाना चाहिए। अगर डी ई और एफ भी लिखेंगे तो यही कोण दर्शाएगा, और डी ई और सी भी लिखेंगे तब भी यही कोण दर्शाएगा, ठीक है। तो सर यहां पर अब क्या होगा ना, आप लोग वही लगाना पड़ेगा, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री प्लस दिमाग, ठीक है। क्या आप लोग से ये पूछा है कि बताइए डी ई एफ क्या होगा? नहीं ना। क्या पूछा है डी एफ ई क्या होगा? नहीं पूछा है ना। सुनिएगा, अगर इस तरह के ट्रायंगल में, इस तरह के ट्रायंगल में इसका और इसका मान, इसका और इसका मान हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसका और इसका मान हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये दोनों का प्रयोग करके हम लोग को पूछा गया है इसका मान निकालने के लिए, ये दोनों का प्रयोग करके हम लोग को पूछा गया है इसका मान निकालने के लिए। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सर ये पता है कि इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? मेरा बराबर होगा। इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। ये तो पता चल रहा है सबको। सर एक काम करते हैं, इसको 100 मान लेते हैं और इसको 40 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये अलजेब्रा सर बात है कि ये दोनों आपका वेरिएबल है, किसी एक का भी मान दिया हुआ है क्या? नहीं ना, किसी एक का भी मान दिया हुआ नहीं है। तो तीसरा का, अगर एक का भी मान दिया हुआ रहता ना, तो तीसरा भी फिक्स रहता। अगर इसका मान दिया हुआ रहता तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। सपोज दैट कि इसका अगर मान दिया हुआ होता 60, तो क्या इसका मान अपने मन से पुट कर सकते थे क्या? नहीं ना। लेकिन सर दोनों का मान अजीब अजीब दे दो, दोनों का मान दिया ही नहीं है। जैसे आपको अगर एक्स कोई आदमी बोलेगा कि दो आदमी के बीच, एक्स और वाई के बीच आपका 140 रुपया बांटे हैं, तो वो आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? हो सकता है 50 और ये 70 बांटा हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार 50 और ये 90 बांटा हो, ठीक है सर, ये 100 और ये 40 बांटा हो, है ना। हो सकता है दूसरा आदमी को 1 टका ने दिया हो, इसको 140 दिया हो, हो सकता है पहले का 1 टका ना दिया हो, बगल वाला को 140 दे दिया, है ना, कुछ भी कर सकता है। तो सर इसका मान से केवल हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना, इसका मान से केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं हम लोग कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यही कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। तो सर अब क्या है, जो बोलिएगा वो रख देंगे यहाँ पर। ये 100 है और ये क्या है 40, तो अगर इसको हम लोग 100 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं 40, तो ये ट्रायंगल का रूल को तो फॉलो करेगा ना, 180 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा 100, ये भी कितना होगा 40, ये कितना होगा 40, क्या सेम है? हाँ वेरी गुड, सही बात है, ढक्कन गई। ये सामने, इसके सामने का एंगल सेम होगा, इसके सामने का एंगल भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि अपने मन से अभी 0 डिग्री कभी होता है क्या? इससे पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? बोले कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो याद है कि अभी अभी बता देंगे एक और नया फार्मूला तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, वरना बता देंगे, लीजिए वो बता देंगे आप लोग, बता देंगे हम, बता देंगे, चलिए याद है कि अभी, ठीक है, सुनिए यहाँ पर हम वो बता देंगे। ये डायरेक्ट है वैल्यू पुटिंग का, है ना, वरना अगर मूड कर रहा है तो ये कैसे बना ना, ये देखिए ये ऐसे बनता है, पता है कैसे ये ऐसे बनता है, ये एंगल एक्स और वाई है,
और ये वाला क्या है आपका अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका डेरिवेशन भी लंबा है और वो समझ में ही थोड़ा पैतरा हो जाएगा आप लोग के लिए, इसीलिए ये समझा रहे हैं अभी आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अगर ये 100 डिग्री पुट किए, ये 100 डिग्री पुट किए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, हाँ ठीक तो है, ये 100 डिग्री पुट किए, ये 100 डिग्री पुट किए, 40 डिग्री पुट किए, कितना डिग्री पुट किए, 40 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों का सम मेरा कितना होता है, तीनों का सम मेरा होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 200 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा, तो 200 उधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, -20 डिग्री, ये होगा मेरा -20 डिग्री, ये सही है। सर अगर ये 40, ये 40, ये 80, तो ये कितना होगा मेरा, 100 डिग्री का होगा, ये समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, इसको अगर हम लोग लेंगे कितना x डिग्री, अगर मानेंगे x प्लस 100 माइनस 20, सर x डिग्री प्लस 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 100 में से 20 गया तो कितना, 80, और उधर जाएगा 80 माइनस, तो x कितना, 100, क्या गिर रहा है, 100x कितना आ गया, 100 डिग्री है ऑप्शन में। बस अगर आप बोलिएगा कि कोई और वैल्यू पुट करने, तो वो पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू पुट करे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट में ये लगेगा, ठीक है, सारा का सारा चीज में ये लगेगा। क्या चीज, एक मिनट, कौन वाला बोले, ए ई और सी का एक्सटीरियर कौन सा है मेरा, एक्स प्लस 100, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हुसैन पूरा बोल, ई सी को जब एफ तक बढ़ाया गया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा वो डायरेक्ट करने बोल रहे हैं ना, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल, ये क्या बोल रहे हैं, ये पूरा बोल रहे हैं, ये और ये 100 200 है, तो ये पूरा 200 होगा, तो ये 100, तो ये 100 होगा, है ना, यही बोल रहे हैं ना, ठीक सही, उतारिए सब लोग इसको। इसको इसके आप बोल रहे हैं एंगल ए और ई दोनों मिलाकर एक्सटीरियर एंगल आपका हो रहा है 200, ठीक है, तो सी बी जो है हम लोगों बाइसेक्टर हो गया, अगर उस तरह वैल्यू पुट होगा तो बाइसेक्टर हो जाएगा। हाँ अपने मन से मानेंगे, मानिए अगर हम वहां पर अगर ए 40 किया रहता तो 40 40 80 सब हो जाएगा, आपको जो वैल्यू को ये वाली वैल्यू बोली आप वही आंसर लेते आएंगे, 100 वही जो बोले क्या, वही तो क्या रुपये किए, तो बोले क्या कि यहाँ एंगल था, यहाँ 100 100 हो गया, वही तो बोल रहे किए लोग, जो बोले वही तो किए। चलिए बिना माने बनाते, चलिए बिठा दिए, चलिए यहाँ क्या माने आप, ठीक है, तो कुछ लिखे के ना, ठीक है, चलिए बताइए क्या करेंगे फिर, ई और एफ का सम 140 पता है, हाँ ठीक है, कौन वाला, एक मिनट, ये वाला इक्वल है, हाँ ये इक्वल है, हाँ ये वाला इक्वल है, ये चारों का सम 240 हो जाएगा, मतलब 280, ये चारों का सम 280 हो जाएगा, हाँ ये
ठीक है मतलब ये क्या बोल रहे हैं समझिएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल का, ये सामने ये दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका 140 होगा। ठीक है, और ये पता चला कि ये दोनों, समझिएगा, इसका और इसका सम क्या आ रहा है मेरा 140 आ रहा है ना। तो ये दोनों सब बराबर है ना, मतलब इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, ठीक है, ये भी तो बराबर ही होगा। मतलब कि ये दोनों का सम अगर 140 है तो ये दोनों का सम भी तो 140 ही होगा ना, है ना। ये दोनों का सम अगर 140 है तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, 140 होगा। चलिए समझिएगा, कुल मिलाकर के दोनों का सम कितना होगा आपका 280 होगा। मतलब कि इसका इसका और इसका और इसका, ये चारों का सम कितना होगा आपका 280 होगा। दिमाग में ये आया सबका, ठीक है। और सर ये पता चला कि अगर इसका 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 और इसका, ठीक है, ये चारों का सम आपका कितना होता है 280 डिग्री का है। और ये पता चला कि ये दोनों, ये दो को ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का सम कितना होता है आपका 180 और 180 360 होता है। तो सर ये समझिएगा, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों में से 1, 2, 3 और 4 ये चारों एंगल को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा ना। अगर ये ट्राइंगल में से ये चारों एंगल का सम को माइनस कर दे तो इसका और इसका सम आ जाएगा। तो 360 को अगर माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा मेरा 80 आ जाएगा। इसका मतलब इसका और इसका कितना सम है, इसका और इसका सम 80 है, तो इसका 100 डिग्री ही तो होगा। ठीक है, ये भी है ना, इसीलिए आप लोग केवल वैल्यू पुटिंग से ही बनाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अपने मन से केवल वैल्यू पुट कर ले, जो मर्जी सो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन को बना